हम जो एक रुपए का सिक्का इस्तेमाल करते हैं वो हमें भारत सरकार से सस्ते में मिलता है। ऐसा हम कहें तो शायद कई लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। तो क्या है इसके पीछे का कारण, आइए इसे हम इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर एक, हम सबको ये तो पता है कि चांद पर पानी खोजा गया है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस खोज में सबसे बड़ा योगदान हमारे भारत का है। हम आपको बता दें कि चांद पर पानी सबसे पहले भारत ने खोजा था। फैक्ट नंबर दो, हमारे घर में अक्सर हम चींटियों को देखते हैं, लेकिन आपने कभी सोती हुई चींटी को नहीं देखा होगा। चींटियां अपने पूरे जीवन काल में कभी सोती नहीं है। फैक्ट नंबर तीन, क्या आपको ये बात पता है कि सिंगापुर का निर्माण हिंदू वास्तुकला के हिसाब से हुआ है। फैक्ट नंबर चार, आजकल पूरी दुनिया कैशलेस होने की बात कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वीडन में हुई थी, जिसके बाद इसका प्रचलन धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ने लगा। फैक्ट नंबर पाँच, क्या आपको ये बात पता है कि इतिहास में सबसे छोटा युद्ध सिर्फ 38 मिनट का हुआ था। ये छोटा युद्ध इंग्लैंड और जंजीबार में हुआ था। इस युद्ध में जंजीबार ने केवल 38 मिनट में समर्पण कर दिया था। फैक्ट नंबर छह, अगर आपको कोई ये पूछे कि बिना ABCD का उपयोग किए अंग्रेजी के 50 शब्द बताइए, तो आपको शायद थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इसका जवाब काफी आसान है। हम आपको बता दें कि 1 से लेकर 99 तक के स्पेलिंग में कहीं भी ABCD का उपयोग नहीं होता है। फैक्ट नंबर सात, इंटरनेट पर हर रोज नई वेबसाइट्स तैयार होने का प्रमाण इतना है कि अगर आप हर वेबसाइट को 1 मिनट के लिए देखते हैं, तो आपको दुनिया की सारी वेबसाइट देखने के लिए 31,000 साल का समय लगेगा। फैक्ट नंबर आठ, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। हम आपको बता दें कि ये फिल्म दुनिया की सबसे महंगी फिल्म है, जिसमें करीब 27 अरब रुपए की लागत लगी थी। फैक्ट नंबर नौ, हम जो 1 रुपए का सिक्का इस्तेमाल करते हैं वो हमें भारत सरकार से सस्ते में मिलता है। ऐसा हम कहें तो शायद कई लोगों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए औसत लागत 1 रुपए 11 पैसे है, जो उसके मूल्य से भी अधिक है। फैक्ट नंबर 10, रशिया में साल 1929 से 1940 तक, यानी कि 11 साल तक सैटरडे संडे को कैलेंडर से निकाल दिया था, और ये रशिया ने इसलिए किया था क्योंकि वहां के वर्कर्स का काम बिना छुट्टियों के लगातार चलता रहे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।